नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में आज कॉन्वोकेशन 2024 का आयोजन हुआ और इस मौके पर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और इस खास कार्यक्रम में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी खास मेहमान थे। कॉन्वोकेशन 2024 के लिए निम्स कैंपस पहुंचने पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दीप को प्रज्वलित करके कॉन्वोकेशन की शुरुआत की और इसके बाद निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने तीनों नेताओं को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर निम्स के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने सबसे पहले संबोधित करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने का गुरु मंत्र भी दिया। डियर स्टूडेंट्स, you have the power to make a difference in this world, and I am very sure my dear students who are graduating, they will make this world change. So dear students, make all these three dignitaries sitting here on dais take your role model and work like this way and reach your highest post and work with humility. Both we are extremely grateful for our these honorable three guests. In spite of their very busy schedule, they gave the time. It was very difficult to get time from them, but they came here. They cut the many things and they came here to bless you. Their presence on this special occasion is truly honorous. I would like to extend my deepest thanks to Shri Nitin Gadkari ji, who has graced us with this presence as the esteemed chief guest. Further, I would like to express my sincere appreciation to Dia Kumari ji and thanks. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Premchand Bairwa ji. And dearest student, the presence and support of our extreme prestigious guest shall greatly inspire your graduate students as you are embarking on the next chapter of your life. Remember this thing, make these three ordinary, not ordinary, very extraordinary people sitting on the dais, make them an ideal symbol and grow in the light. Thank you very much. वहीं निम्स कॉन्वोकेशन में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने वहां मौजूद गणमान्य शख्सियत और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा, इसे साकार करने में छात्रों का अहम योगदान होना चाहिए। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने इतने पर ही नहीं रुकने का फैसला लिया। उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जिससे देश में ईंधन की कमी और पॉल्यूशन पर रोक लगेगी। गडकरी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड मैन पावर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, $5 trillion इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, यह किसके भरोसे होगा? यह आपके भरोसे होगा और यह आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका मंत्री हूँ। मैंने अभी मर्सिडीज की एक कार लॉन्च की, इलेक्ट्रिक की, तो जर्मनी से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे। अब एलएनजी का एक ट्रक मैंने चाकण में ब्लू एनर्जी का ये किया, जो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है, डीजल की तुलना में 50 मीटर कॉस्ट बच जाती है। आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। अब मेरे पास तीनों कार है, इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा है, जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है।
अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है, मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूँ वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूएल फॉर फ्यूचर, द फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम, और उसमें काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, टीम वर्क, अगर ये तीन छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। तो वहीं नितिन गडकरी ने निम्स के मंच से कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने किसानों की भी जमकर तारीफ की, कहा कि हमारे किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी हैं। गडकरी ने छात्रों से नए इन्वेंशन और रिसर्च और स्टडी पर अपना ध्यान देने की अपील की। गडकरी ने छात्रों के बेहतर नागरिक और देश के विकास के लिए काम करने का आह्वान भी किया। सुनिए। कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22-24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54-56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूँ, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूँ उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूँ। ये संभव है कि आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अभी हम लोग बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं। अभी जो बात हुई पानीपत में, मैंने पीछे पढ़कर, हमने एक बड़ा इंडियन ऑयल ने उद्योग शुरू किया है कि जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, परली से 1,00,000 लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूएल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल, हवाई ईंधन तैयार होता है। अब अभी आपको पता होगा कि दाहोस में ये बात चल रही है कि ये जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है, इसमें आपको पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालना पड़ेगा। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, विटामिन दाता है। केवल विटामिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। मैं 2004 से इसके ऊपर लगातार कोशिश करता रहा हूँ। पिछले 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज डेहराडून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया, तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र हैं, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना, कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और इसके बाद कॉन्वोकेशन 2024 में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस खास मौके पर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। वहीं चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने गडकरी को सम्मानित किया। ये बेहद खास मौका था। इसके साथ ही राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी
डिलीट का उपाधि देकर सम्मानित किया गया और इस मौके पर पूरा ऑडिटोरियम करतल ध्वनि से गूंज उठा। तो वहीं निम्स के कॉन्वोकेशन 2024 में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी से हमारे एडिटर ओम प्रकाश नारायण ने खास बातचीत की है, देखें। निम्स यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा दिन है, निम्स यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हो रहा है और भारत सरकार के रोड मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ मौजूद हैं। सर कैसा लग रहा है गडकरी जी? मैं तो पहली बार आया हूँ, अच्छी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैंपस बड़ा है, अब बच्चों से बातचीत होगी, बहुत खुशी हुई मुझे आने को। आज राजस्थान को सौगात मिले हैं, सौगातों की बरसात हुई है यूँ कहे मैम, राजस्थान को सौगातों की बरसात हुई है। बिल्कुल, जब जब मंत्री जी पधारते हैं राजस्थान तो सौगातें ही देते हैं, इतना कुछ देते हैं, दिया है राजस्थान में इन्होंने 10 सालों में, और अभी फिर से बहुत सारे आरओबीज, सड़कें, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने आज घोषणा की है, तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि राजस्थान के प्रति हमेशा ही इतना ज़्यादा इनका लगाव भी है और हम लोग कभी भी इनके पास कुछ भी मांगने जाते हैं तो जितना मांगा उससे डबल ही हमको उनसे मिलता है। सभी राज्यों की ये खुशी है चाहे जो भी सरकार हो। देखिए, जो काम होने लायक है हो सकता है, हम करने की स्थिति में हैं, वैसे हमारे डिपार्टमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट इज अ इशू है, जयपुर में है दिक्कत। नहीं जी, बिल्कुल अब करेंगे ना, अब डबल इंजन की सरकार आ गई तो अब करेंगे, बिल्कुल इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा है कि जो भी है सब चीज़ों की अब हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे इश्यूज हैं जी। ये हमारे साथ थे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। ओम प्रकाश, न्यूज इंडिया 24/7 के लिए। वहीं राजस्थान और निम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर पहुंचे नितिन गडकरी ने राज्य को कई सौगात दी और इस बारे में न्यूज इंडिया के संवाददाता मोनिका सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत की, एक बार वो भी देखिए। साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी रास्ते में आपने देखा होगा बहुत जगह इंक्रोचमेंट था, आपको नहीं लगा ऐसा है? ये रोड की हालत ठीक नहीं है और इसको पहले जब मैं मंत्री बना तब से समस्याएं थी। यहाँ रोड के बाजू का इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास होता है, और अभी इस रोड पर हमने 1500 करोड़ मंजूर किए हैं, इसको जगह जगह सुधार रहे, जहाँ जहाँ हमको लगेगा वहाँ हम राज्य सरकार से सहयोग मांगेंगे और अतिक्रमण हटाएंगे। सर, बहुत जगह गलत तरीके से ज़मीन हथियाई जा रही है, ऐसा हमने हल्द्वानी में भी देखा था। नहीं, जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करते हैं, हम लोग जब नया रोड बनाते हैं तो तोड़वा देते हैं, बुलडोजर लगा के ख़त्म कर देते हैं। सर, उदयपुर की जनता को बहुत तोहफे दिए हैं आज आपने। नहीं, राजस्थान को दिए सबको ही दिए। अभी जयपुर का रिंग रोड जो है 5000 करोड़ का जो आधा हुआ है, आधा भी मैंने ही किया था और आधा को भी आज 5000 करोड़ का वो भी मंजूर किया। वहीं कॉन्वोकेशन 2024 में पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, इसमें क्या कुछ कहा है उन्होंने राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी, आइए जानते हैं उनसे आखिर क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग आपके साथ है, आप उसे देख रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान में अगर बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो क्या आपको संभावनाएं लगती हैं जो कि पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं काम? निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा काम है और हमारे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए हमको अगर विकसित भारत का जो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान देके और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े, इसके साथ साथ स्किल पे भी ध्यान देके और हमारे जितने भी
भाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो रोजगार नहीं ले पाते, तो मैं शिक्षा के साथ साथ एक स्किल का भी चैप्टर उसके साथ हो तो निश्चित रूप से हमारा जो मोदी जी का जो सपना है वो साकार हो विकसित भारत का। बैरवा जी, नई शिक्षा नीति की बात कही जाती है, तो क्या लगता है राजस्थान में ये कब से लागू होगी? निश्चित रूप से मैं भी अभी आया हूँ, बिल्कुल मंथन कर रहे हैं नई शिक्षा नीति पे भी, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अच्छी तरह से किस तरह से इस देश की और राजस्थान की उन्नति के लिए शिक्षा को हम हर तरह से देखते हुए इसको आगे बढ़ाएं। और अगर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, हम देख रहे हैं राजस्थान में जो लड़कियों की शिक्षा है वो उस तरह से नहीं हो पा रही जैसे पूरे देश में हो पाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ तो लड़कियाँ ही सबसे आगे चल रही है शिक्षा में, मैं जहाँ भी देखता हूँ निश्चित रूप से, और लड़कियाँ और हमारे लड़के निश्चित रूप से देश का गौरव और भविष्य है, जिनको हम अच्छी तरह से संस्कारित और संस्कृति के हिसाब से उनको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बैरवा जी, परिवहन विभाग भी आपके पास है, लेकिन हम देख रहे हैं जो सड़कें बनी हुई हैं, जो पिछली सरकार ने काम किया है वो नाकाफी है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा, उसको लेकर क्या कर रही है सरकार? जी देखो, पिछली सरकार ने केवल घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया, और इस राजस्थान की जनता को जिस तरह से धोखा दे के ये लोग आए थे, तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने किसानों के प्रति भी धोखा दे के आए थे, हम कर्जा माफ़ करेंगे, इन्होंने युवाओं के साथ भी धोखा किया, बेरोजगारी के नाम से ही आए, लेकिन इन्होंने इन 5 साल में बेचारे युवा बेरोजगारों को बेरोजगार और ज़्यादा बनाया है पेपर लीक कर करके इन लोगों ने, और 5 साल कुर्सी का खेल खेलते रहे ये लोग। इसके बाद में इन्होंने महिला और दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के छोड़े हैं, और फिर बाद में इन्होंने 5 साल जब चुनाव का आ गया था 5 साल के 1-2 महीने पहले, फिर इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने शुरू की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, राजस्थान की जनता जान चुकी थी कि ये लोग राजस्थान की ये सरकार भला नहीं कर सकती है, और जब राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और निश्चित रूप से विश्वास जताया है कि डबल इंजन की सरकार जो बनी है निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं जो विजन है उस विजन को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार काम करेगी और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयास करके और उनके सपने को साकार करें। बैरवा जी, आपके पास उच्च शिक्षा विभाग भी है, ऐसे में हम चाहेंगे कि जो राजस्थान के बच्चे हैं वो बाहर ना पढ़ने जाएं, राजस्थान में ही उन्हें उच्च शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से हम इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं, जितने भी जो हम यहाँ से स्कॉलरशिप दे के बाहर भेज रहे हैं उन लोगों को और उन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेरा एक सोच है कि हम हमारे लोगों को जितना पैसा हम बाहर दे रहे हैं उस पैसे से तो हम यहाँ पे उन लोगों को एक की जगह हम 20 लड़कों को तैयार कर सकते हैं, और इस पर मैं बिल्कुल काम करूँ। और गहलोत सरकार ने जो पुरानी योजनाएं चलाई थी, बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब घाटे में भी चल रही है, बोझ पड़ गया है मौजूदा सरकार पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? गहलोत सरकार ने बिल्कुल बिना सोचे समझे कई घोषणाएँ इतनी की है कि कोई बजट का प्रावधान नहीं था, और इस तरह की जो घोषणाएं की है निश्चित रूप से ये राजस्थान को पीछे करने का काम किया, और केवल उनके किसी नेता का उसका नाम परिवर्तन करके ये योजनाएं चलाई है जो हमारे राजस्थान के हित में नहीं है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सब मिलके हर वर्ग और हर लोगों को साथ लेके, हर जाति के हर लोगों को साथ लेके हम इस राजस्थान को आगे बढ़ें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी राजस्थान एक नारा दे रहा है, उसको लेकर काम कितना आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, बेटियां हमारी शान है और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए हम इस राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। जी, और इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्य चल रहा है, कितना चुनौती भरा पूर्ण ये काम रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछली सरकार ने जो बोझ डाला है मौजूदा सरकार पर, उसे कैसे पाट पाएंगे? निश्चित रूप से पहले हम जो पिछली सरकार ने जितना बोझ डाला है उस बोझ को हम उसकी समीक्षा करते हुए और उससे हम निजात पाएंगे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या ये माना जाए कि इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।